जहां पत्नी अपने सुहाग को सही सलामत रखने के लिए कई तरह के व्रत करती है, वहीं एक महिला ने अपने पति के साथ जो किया उससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर से होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक महिला ने बर्बरता दिखाते हुए अपने पति के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी से देर रात आने की वजह पूछी थी। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और पत्नी ने एसिड फेंक दिया। युवक ने कलेक्टरगंज पहुंचकर पत्नी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने उसे उर्सला अस्पताल में एडमिट कराया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला कुपरगंज इलाके का है। यहाँ रहने वाले डब्बू गुप्ता ने थाने में दी तहरीर में पुलिस को बताया कि शनिवार रात को पत्नी पूनम देर रात करीब 12:30 बजे घर पहुंची। मैंने बस इतना पूछा कि इतनी रात में कहां से आ रही हो। इस बात पर वह भड़क गई और झगड़ने लगी। पत्नी ने हाथ उठाया तो मैंने भी एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे वह गुस्सा गई और बाथरूम में रखी एसिड की बोतल उठाकर लाई और मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं डब्बू गुप्ता। कहाँ रहते हो? कुपरगंज। मकान नंबर बताओ। 82/10। ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे? हमें उन्होंने तेजाब डाल दिया। क्या बात थी? हमें पूछा कहाँ गई थी, सोचा तुमसे तो मतलब नहीं है, हाथा पाई हुई 19,000 डाल दी चेहरे में। अच्छा अच्छा, तो तुम फिर थाने आए? थाने आए। अब क्या चाहते हो? हमारा जेल जेल जाएंगे। और इलाज? इलाज भी होना चाहिए। तो औरत को जेल भेजना चाहते हो? एप्लीकेशन लिख के दिए हो? सर हम ले नहीं पाते। तो अभी लिख के देना। हमने इलाज कराया। ठीक, तो इलाज करा लो। ठीक है, उसके बाद। ठीक। नमस्कार, मैं हूँ देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।